नहीं सिखाने सिखाने है इसको अपनी बहन को। तो पहले हम ग्राउंड तक चलते हैं। ग्राउंड में पहुंचने के बाद हम आपको दिखा देंगे गाड़ी कैसे सीखी जाती है। पहले से कोई गाड़ी ना हो, पहले से कोई गाड़ी नहीं होगी। ओह माय गॉड, यहाँ तो दो दो स्कूटी नजर आ रही। भीड़ यहाँ ग्राउंड में तो काफी भीड़ है, तो ऐसे में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मामला। गाड़ियाँ सीखने आए भी तो आंटी उंटी लोग हैं। आंटी उंटी लोग तो वैसे ही चार पैरों से गाड़ी चलाते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है। गाड़ी सीखने के लिए वो है क्लच, ब्रेक और एक्सेलेरेटर। क्लच दबा के गियर मारा और हल्के हल्के छोड़ा तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। रेस दो ना दो फिर भी हल्की हल्की बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। जैसे ही आपको क्लच में वाइब्रेशन महसूस होता है तो आप उसे छोड़ो, बहुत हल्के हल्के लाइटली छोड़ना है, ठीक है। इधर इधर ध्यान देंगे। इधर क्या है, ORVM के लिए, सीसो के लिए। तो इसमें क्या है, इधर मूव करोगे तो ये जॉयस्टिक की तरह ऐसे मूव होगा, समझ गए। अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये राइट की तरफ मूव करा है तो राइट। अब हम इसे सेंटर में ले आए तो ये कुछ नहीं करेगा, और ये हमने लेफ्ट में करा तो अब वो लेफ्ट साइड वाला मूव करेगा। देख पा रहे हैं, ठीक है। ये लॉक अनलॉक, सारे बटन लॉक, सारे बटन अनलॉक उसके लिए है। अभी डोर ओपन है तो अभी नहीं होगा। और ये है चाइल्ड लॉक के लिए। इसके बाद सीसा अप डाउन नहीं होगा, चाइल्ड लॉक हो गया, दरवाज़ा नहीं खुलेगा, सीसा अप डाउन नहीं होगा, मेनली सीसे के लिए। और ये है ORVM को बंद करने के लिए, कहीं पतली स्पेस से निकलना हो या इसको हमें बंद करना हो तो ये दोनों बंद हो जाएंगे और ये दोनों ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। ये हो गई नॉर्मल। ये पुश बटन स्टार्ट करने के लिए, ये लाइट के लिए है। इंडिकेटर देना हो तो ये इधर को करेंगे तो इंडिकेटर चल जाएगा इस तरफ का, उधर को करेंगे तो इंडिकेटर चल जाएगा उस तरफ का, ठीक है। अब इसमें हमें सिर्फ लेन चेंज करनी है, 4 लेन है तो इस लेन से उस लेन में जाना है, पूरा यू टर्न या पूरा बेंड नहीं लेना है, एल बेंड। तो हम क्या करेंगे, हल्का सा करेंगे इसमें, तो वो लेन चेंज वाला इंडिकेटर भी है इसमें, ये हल्का सा उसमें, और लेन चेंज होगी 5 सेकेंड के लिए जलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा इंडिकेटर, ठीक है। अब आओ यहाँ सीट में बैठ जाओ। सीट 3-way एडजस्टेबल है ना, तो सीट का एडजस्टिंग हम दिखाते हैं। सीट देखो, एक तो ये है, पीछे जा रही होगी ये सीट, हाँ आगे हो ना, बस ये ऐसे एडजस्ट होगी। ये अप डाउन एडजस्टेबल है, ठीक है। ये इससे हाइट एडजस्ट होगी, ठीक, और इससे आगे पीछे होगी, ठीक। और यहीं इसका हैंडल का एडजस्टेबल है, हैंडल का लीवर खोला तो ये अप डाउन होगा टेलिस, और ऐसे भी अप डाउन होगा। अपने हाइट के हिसाब से आप अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये जनरल चीज़ें हैं जो एक ड्राइवर के लिए मस्ट है। हैंड ब्रेक नी डाउन करा, अब गियर डाला, पहला गियर सावस। रेस हिसाब से देनी है और
हाँ, क्लच की वाइब्रेशन को फील करना है, मतलब क्लच वाइब्रेट होगा, हैवी हैवी लगेगा तो तब जाके रेस देनी है हल्के हल्के। पहली बार बंद हो चुकी है, अभी दूसरा ट्रायल। हल्के हल्के, इतनी तेज रेस नहीं देनी है। इधर पूरा देखना, उधर टकराया ना कहीं। बस बस, मोड़ो मोड़ो मोड़ो। हाँ, नाउ स्टॉप। अब दोबारा से उठाओ गाड़ी, रुक जाओ या आंटी को जान दो। दोबारा से गाड़ी उठाओ, हल्के हल्के। शाबाश, रुको। दोबारा से उठाओ। मेन गाड़ी में, गाड़ी चलाते समय मेन सिर्फ गाड़ी उठाना सीखना है पहले। गाड़ी उठाना सीख गए तो आधा काम तो हो गया, कि आप बिना नीचे क्लच में देखे और बिना इधर उधर देखे गाड़ी उठा ले रहे हो, तो गाड़ी का आधा काम तो हो जाता है। स्टार्ट करो। शाबाश, चौथी बार बंद हो रही है। चल, क्लच छोड़ हल्के हल्के। हल्के हल्के का क्या मतलब होता है? हल्के हल्के प्लस वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करते, फील करते हुए। आज ये बच्चा मर जाएगा मुझे लग रहा है, बेचारा अच्छा आदमी था, पर ऐसे ड्राइविंग सीखते समय अपनी साइकिल लेके नहीं आना चाहिए था। चलाओ चलाओ। अंकल को क्या हो गया? अंकल को अपना चलानी आती है तो ये सोच रहे हैं कि दूसरा भी चला लेगा, और अगर ठुक गए तो भी हल्ला करेंगे। डबल डबल हेलमेट पहन के पूरी सेफ्टी का ध्यान रख के गाड़ी सिखा रहे हैं, तो चला भी खुद ही रहे हैं। वो आगे से अपनी बीवी को खुद ही बैठा रहा है, खाली सोपी इसकी तरह। तो आप इतना कॉन्फिडेंट इनफ हो कि आपको हम उतार दें ना, मतलब हम उतर जाएं और आप गाड़ी अकेले चला लो? Yes. 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 और अगर इनमें से कोई मरता है तो आप मर्डर केस झेलने के लिए तैयार हो? 18 प्लस हो चुके हो। अब रोक लो यहाँ पे जरा, ये मोड़ में क्लच पूरा दबा लेना। पूरा का मतलब होता है पूरा डेड होना चाहिए। वो बेचारी औरत को बैठा रखा है उसने सिर्फ, और चला खुद ही रहा है, पता नहीं कैसे सीखी है। चलो, पांचवी बार। तेज भाग रही है तो वहां पे हल्का ब्रेक और क्लच को, दोनों को साथ में अप्लाई करके वो करो बराबर। फिर आ गया अंकल आगे से, मतलब हम 5 मीटर भी नहीं चल पा रहे हैं और ये पूरा राउंड मार के आ जा रहा है, तेज चला रहा है। ऐसी जो सिखाते हैं ना वो लेडीज, तेज भगाना तो सीख जाती हैं पर संभालना नहीं सीख पाती, तो फिर वो टूट जाती हैं। वो आंटी तो थक गई बैठे बैठे ना, उधर गाड़ी खड़ी करके बैठ गई है वो। उनको वो पानी की बॉटल भी लेकर आई है अपनी, बच्चे लाए हैं शायद ये। तो मोड़ पे रोक लो जरा, यहाँ पे इसको जाने दो। क्लच पूरा दबाना,
यार ये अंकल ने बड़ा परेशान कर दिया है, और चला भी उल्टा रहे हैं ना। ये पहला है तो ये न्यूट्रल हो गया, जितने में पूरा घूम जा रहा है, यहाँ करेगी तो दूसरा है पड़ेगा जो पूरी ताकत से नहीं खींचना है, और ये रिवर्स आएगा। अब बैक ले, हाँ ले, यहाँ देख के ले, बैक पोर्शन उधर डालना है, फ्रंट इधर करना है। चल चल ले, किधर को? उधर ही गली में पूरा डाल, ये दिखा तो रहा है लेन। हाँ मोड़, और मोड़, हल्के हल्के सीधी हो जाएगी वो लेन, हल्के हल्के ब्रेक मार, यहीं पे तो कंट्रोल चाहिए। अब इस आगे पड़ा, वहीं से वापस लेके चल। चल चला, हल्के हल्के, देख के इसको पास होने दो पूरा, वो अब खुद चलाने लग गई है, रोक ले। चला, बस यहाँ ऊंचाई में रोक दे, रोक दे रोक दे रोक दे, स्टॉप। ऊंचाई में अब उठाना सीख, बिना पीछे जाए गाड़ी, पीछे ना जाए, कम से कम जाए। हाँ क्लच दबा के स्टार्ट, हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करो, हैंड ब्रेक साथ में दबाओ, ऊपर खींचो और बस छोड़ दे, छोड़ दे, हैंड ब्रेक खींच के छोड़ दे, स्टार्ट कर गाड़ी। एक हाथ से इसे पकड़, हाँ अब जैसे ही वहाँ से क्लच छोड़ना स्टार्ट करेगी, यहाँ से ये ब्रेक भी छोड़ना, हाँ छोड़ ब्रेक, ऊपर को करके छोड़, ऊपर को खींच लगा, हाँ नीचे कर, चल दोबारा ब्रेक मार, रुक जाए, स्कूटी वाले को पास होने दे, चल हल्के हल्के, शाबाश, उठाई उठाई। ये जो ऊंचाई में उठाने वाला होता है ना, ये बहुत मस्त होता है, क्योंकि पहाड़ के और जो भी चढ़ाई में, जैसे कोई पुल आया या पुलिया आई या फिर हम पहाड़ में ट्रेवल करते हैं, तो वहाँ पे गाड़ी सपोज करो रुक गई, ट्रैफिक के उससे रुकी या हमने रोक दी या कुछ भी, तो उसके बाद जो उठाना है वो बहुत मस्त है, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी पीछे जाती है और पीछे वाला ठुक जाता है इतने में, मतलब हल्का सा भी गाड़ी बैक हुई और गाड़ी आपसे पीछे वाली गाड़ी चिपकी हुई है, तो उतनी देर में वो बिल्कुल लग जाएगी गाड़ी, गाड़ी लगने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसी पहाड़ में तो बहुत तगड़े तगड़े स्लोप होते हैं, तो उन स्लोपों में क्या है कि गाड़ी वापस आई तो आप नीचे पहाड़ के खाई में भी दिख सकते हो, तो इस वजह से ये ऊंचाई में उठाना, बैक करना, दो तीन चीज़ें बहुत मस्त हैं। चलो गाड़ी रोको और दोबारा उठाओ, बस बस। और जो कहते हैं ना कि ये 20 मिनट में 10 मिनट में 15 मिनट में गाड़ी चलाना सीख लें, वो बिल्कुल मिथ है समझ लो, उसमें आप गाड़ी उठाना सीख जाओगे एक बार के लिए, हल्की फुल्की हैंडलिंग सीख जाओगे, पर गाड़ी मतलब
ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए हो, चला लोगे रोड में, ग्राउंड में चला लोगे आप, ग्राउंड में गोल गोल है, थोड़ा इधर उधर हो गई दाएँ बाएँ चल जाएगा, पर बाहर अगर रोड में थोड़ी बहुत भी दाएँ बाएँ हो गई तो फिर नहीं चलेगा। तो इसलिए पहले ग्राउंड में अपना हाथ बिल्कुल साफ कर लें, पहला दूसरा गियर और बैक गियर तीन गियर सीख लें, हल्का ऊंचाई में उठाना सीख लें, उसके बाद सब सही है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आप रोड में निकालने लायक हो। आप बस गाड़ी उठाना सीख गए हो, ऊंचाई में यहाँ पे रोक दो, ऊंचाई में उठा वो करना ही सीख गए हो, यूज़ करना हैंड ब्रेक लो, बस छोड़ दें वहाँ पे से थम को, हो गया हैंड ब्रेक पूरा लगाई नहीं है, बस जहाँ पीक में छोड़ दे, हाँ चलो स्टार्ट कर, हल्के हल्के क्लच छोड़ना है, हल्के हल्के रेस देनी है, और तीसरा हाथ थंब में, ये वाइब्रेशन जो हो रही है इतने में, हाँ यहाँ पे छोड़ दो और ये ले लो आगे को, बस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हैंड ब्रेक छोड़, क्लच क्लच भी छोड़, दोस्तों ये तो कार सीख गई है, बाकी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को, और जो भी नई वीडियो आप देखना चाहते हैं उस वीडियो के रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।